हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मज़ेदार सूप की रेसिपी, जो बच्चों और बड़ों दोनों की ही फेवरेट होती है। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए हमें मसाले में क्या क्या चाहिए। हमने लिया, यहाँ पे बटर लिया है, सॉल्ट लिया है, शुगर लिया है, यहाँ पे मैंने 4 बड़े टमाटर लिए हैं जो उसको मैंने कट कर लिया है, लहसुन, काली मिर्च, धनिया पत्ता और अदरक 1/2 इंच के करीबन, और ये 2 लौंग और 2 इलायची और 1 लौंग और 1 अनियन चॉप्ड। और यहाँ पर मैंने कुकर लिया है, उस पर मैं टमाटर को डाल दूँगी बॉयल होने के लिए, और इसमें मैं 1 कप के अराउंड पानी डालूँगी। पानी इतना ही डालें जिससे टमाटर सिर्फ हल्का सा कवर हो जाए, इतना ही पानी डालेंगे। और यहाँ पर मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच सॉल्ट ऐड किया है। अब मैं डाल रही हूँ लहसुन, अदरक, जो सारे मसाले मैंने लिए थे वो सारे मैं इसमें डाल करके इसे बॉईल होने के लिए रख दूँगी। 2 विसिल आने तक हम इसे बॉईल होने देंगे। एक बार मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ और मैं यहाँ पर कुकर बंद कर देती हूँ, और 2 विसिल आने तक मैं इसे पकने दूँगी। ये देखिए, ये 2री विसिल आने तक मैंने इसे पका लिया है। और अब हम गैस को ऑफ़ कर देंगे। और यहाँ पर मैं एक पैन को रख चढ़ा रही हूँ, और इस पैन में मैं अनियन को ऐड करूँगी, क्योंकि इसमें बटर भी डालना है, पर बटर मैं बाद में डालूँगी, क्योंकि पहले अगर बटर डालेंगे तो वो बटर जलने लगती है, इसलिए हम पहले इसमें अनियन डालेंगे और उसके बाद बटर डालेंगे, जिससे कि वो बटर जलेगा नहीं और हमारा अनियन भी भुन जाएगा। हमें अनियन को पूरा भूनना नहीं है, बस बटर के मेल्ट होने तक हम उसमें उसे पकाएंगे और 1-2 बार उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें उसे बिल्कुल भी पकाना नहीं है, बस उसकी जो रॉनेस होती है उसे हमें सिर्फ ख़त्म कर देना है, दैट्स इट। और उसे बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं भूनना है। तो देखिए, मैं यहाँ पर भून लेती हूँ, और ये बटर भी हमारा मेल्ट हो चुका है और अनियन भी ऑलमोस्ट डन है। तो अब मैं इसमें बॉयल्ड टमाटोज ऐड कर दूंगी, ये देखिए। और फिर हम इसे एक दूसरे बर्तन में बॉयल्ड टमाटोज को निकाल लूँगी और उसके पानी को स्ट्रेन कर दूंगी। बी केयरफुल, यहाँ पे ये गर्म है, आप थोड़ा सा ठंडा होने दें, उसके बाद स्ट्रेन करें आगे अगर आपके पास टाइम है तो। ये देखिए, मैं सारे पल्प को अलग कर लूँगी टमाटोज के और पानी को स्ट्रेन करके उस पैन में डाल दूँगी। और ये जो सारे पल्प बचे हैं टमाटोज के मसाले के, उन्हें मैं ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी, और फिर मैं वापस से उसे उस पानी में, स्ट्रेन किए हुए पानी में मिक्स कर दूँगी। ये देखिए, मैंने ग्राइंड कर लिया है, और वापस से मैं इसे स्ट्रेनर में, देखिए इस तरीके से स्ट्रेन करके उसमें मिक्स करूँगी, जिससे कि वो बिल्कुल सूप का जो स्मूथ टेक्सचर है वो स्मूथ टेक्सचर आए, इसलिए मैं इसमें इस तरीके से स्ट्रेन कर रही हूँ। अब मैं इसी तरह से स्ट्रेन कर लूँगी, और ट्रस्ट में ये सूप बहुत ही टेस्टी है, और इसमें एक देसी तड़का है जिसके लिए मैंने लौंग और इलायची यूज़ किया है। तो आप एक बार प्लीज़ इसे ट्राई करें। और वो जो मिक्सर में जिसमें मैंने ग्राइंड किया था, उसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके वो बचे हुए भी पानी को मैं इसमें मिक्स कर दूँगी, उस ताकि हमारा पल्प जो है टमाटोज का वो बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तो देखिए, मैंने इस तरह से स्ट्रेन कर लिया है, और ये सूप हमारा ऑलमोस्ट डन है। मैं इसमें 1 उबाल आने तक और भी पका लूँगी, ये ज़रूरी है, आप इसे ज़रूर पकाएं, नहीं तो जो वो पानी है वो कच्चा पानी जो ऐड किया वो कच्चा रह जाएगा, इसलिए आप इसे अच्छे से उबाल लें। और अगर आपको थिक चाहिए तो आप इसे थोड़ी देर ज़्यादा उबालें, ये आप पे डिपेंड करता है कि कैसा आपको टेक्सचर चाहिए। मैं यहाँ पर 2.5 चम्मच शुगर ऐड कर रही हूँ, जिसके टेस्ट को इन्हेंस करेगा, और बच्चे हैं तो उन्हें ये टेस्ट, खट्टा मीठा सा टेस्ट बहुत ही पसंद आता है। तो ये देखिए, हमारा सूप ऑलमोस्ट डन है, और हमारे घर में ऐसे ही इसी टेक्सचर की सूप पसंद आती है। तो आप मेरे सूप को बनाएं, और प्लीज़ मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी है, और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।